Welcome to an academy. In this video, we will talk about the actions. My name is Gurpreet Singh. This is my profile. You can follow me on YouTube as well. Just search my name. You will find my channel. And you can follow me on an academy as well for other courses. So the first root is par, which means equal. Par एक root है, जिसका मतलब होता है equal. और ये आपको और भी जगह दिखता है, shoes जो होते हैं, pair. Pair जो word होता है, P-A-I-R. वो भी इसी से ही आया है, par से ही. पार का मतलब इक्वल, तो पेयर का मतलब होता है कि आपके दो शूज़, ठीक है. सो दैट इज़ द रीज़न थिंग्स लाइक शूज़ विच आर इक्वल, विच आर पेयर्स, ओके, विच आर सिमिलर. देन वी हैव डिस, विच इज़ अ नेगेटिव प्रीफिक्स, नेगेटिव रूट है ये, अगर किसी वर्ड के आगे लगता है तो नेगेटिव हो जाता है. देन वी हैव कॉम, विच मीन्स टुगेदर और विद, एंड ये हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, ट्राई टू रिकॉल इट. कॉन भी पढ़ा था, C-O-N, ओके. देन वी हैव MB, which means both, ये भी हम पढ़ चुके हैं. Ambidextrous, ambivert, ये वाला पढ़ा था हमने. Ambidextrous का मतलब था, वो आप लिखना नीचे कमेंट में, आई विल रीड, अगर जिसको पता है प्लीज़ वो लिखना. Ambidextrous एंड ambivert, इन दोनों का मतलब लिखना. देन वी हैव voices और walks, which means voice, this is a new root. देन वी हैव nox, noctis, which means night. देन वी हैव animus, which means mind. देन वी हैव libras, which means balance, weight or pound. लिब्राज एक राशि भी होती है, ठीक है, एक जोडियक साइन भी होता है. एंड लिब्राज वैसे रूट के अंदर बैलेंस को भी कहते हैं, वेट को भी कहते हैं. सो द फर्स्ट वर्ड इज डिस्पैरिटी. डिस्पैरिटी, दिस इज द नेगेटिव रूट एंड पैर इज फॉर इक्वल. सो नेगेटिव के साथ इक्वल मिलाओगे तो मतलब होगा डिफरेंस करना या फिर अनइक्वल करना, किसी के साथ सही जजमेंट ना करना, ठीक है, दैट इज डिस्पैरिटी. पैरिटी हो जाता इक्वालिटी करना, डिस्पैरिटी हो जाता अनइक्वल करना, डिफरेंस करना, ठीक है. द नेक्स्ट इज डिस्पैरेज. दिस इज अगेन फॉर नेगेटिव एंड पैर इज फॉर योर इक्वल, और एज लग गया साथ में. सो डिस्पैरेज का मतलब हो जाता है कि किसी को नीचा दिखाना, उससे लाइक किसी को दिखाना कि भाई ये तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, ऐसी वाली बात होती है ना, जब आपको किसी का डीमोटिवेट करना किसी को, काइंड ऑफ, दैट इज डिस्पैरेज. लोअर समवन्स पार, किसी को नीचा दिखाना, डीमोटिवेट करना. Then we have compare. Compare, come is with or together, par is equal. So compare तो हम हमारे माँ बाप ही करते हैं दूसरों के साथ, हमें compare. So I hope you can guess this meaning. Compare is कि किसी के साथ compare करना, किसी के साथ आपका कि आपकी similar qualities हैं या नहीं है, वो सब देखना, that is compare. Then we have equivocate. Equi is for equal and walk is for योर वॉइस. सो इक्विवोकेट मतलब इक्वल या फिर डिसेप्टिव टॉकिंग करना. वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल द प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस आर द मास्टर्स ऑफ इक्विवोकेशन. जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो मास्टर होते हैं इक्विवोकेट के. वो आपको ना कुछ भी बोलेंगे, एक जगह हाँ बोलते हैं, एक जगह ना भी बोलते हैं, वो दोनों जगह बोल सकते हैं. मैं जैसे कि मेरे दो दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हूँ, वो दोनों लड़ रहे हूँ, ठीक है, पर मैं दोनों का ही साथ दे रहा हूँ, ठीक है. हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ, ए वाले को बोल रहा हूँ मैं तेरे साथ हूँ, बी वाले को भी बोलता हूँ मैं तेरे साथ हूँ, और दोनों को बोल रहा हूँ तुम दोनों ही सही हो. तो दैट इज डिसेप्टिव टॉकिंग और इक्वल टॉकिंग, मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है. देन वी हैव एम्बिगुअस. एम्बिगुअस मतलब डाउटफुल टॉकिंग. एंड इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्लाइटली छोटा सा डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है, दैट इज इक्विवोकेट आप जान पूछ के करते हो, पर्पसली करते हो, ठीक है. आप किसी को जानबूझ के किसी का साथ दोगे और किसी दूसरे का भी साथ दोगे, या जानबूझ के डिसेप्टिव टॉकिंग करोगे. एम्बिगुअस इज डाउटफुल टॉकिंग, वो अपने आप हो जाती है, आप पर्पसली नहीं करते, ठीक है. आपने कुछ किसी, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझना है, या फिर काइंड ऑफ दैट थिंग. एम्बिग्यूटी से ही आया है एम्बिगुअस. एम्बिग्यूटी का तो आपका मतलब पता ही होगा. एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि एफर्मेटिव और नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करना दोनों का, ठीक है, थोड़ा कुछ समझ ना आना. एम्बिग्यूटी इज you are not understand the thing someone is saying to you, that is the thing. So ambiguous is doubtful. Then we have equity. Equity ka matlab hota hai justice or fairness or stocks. Justice as in ki kisi ke sath uske sath sahi faisla lena, so right decision lena. Fairness wahi same word hai. Then stocks mein aapne suna hoga equity stocks ko kehte hain. Then we have inequity. In lag gaya, in maine aapko pehle hi bataya tha, previous video mein humne pad chuke hain iska root. इट्स अ नेगेटिव प्रीफिक्स अगेन. सो इनइक्विटी का मतलब इनजस्टिस करना, अनफेयरनेस करना, धोखेदाड़ी करना उसके साथ, डिसेप्टिव करना, ठीक है. देन वी हैव इनइक्विटी. इसमें
और इसमें ई का फ़र्क है, इसमें ई आता है, इसमें आई आता है, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन दोनों के लगभग सेम ही है, आई के और उसमें ई के लगता है। सो इनइक्विटी का मतलब होता है बहुत बुरा करना या फिर किसी का इमोरल एक्ट करना, ठीक है, कि बहुत ही हीनियस एक्ट। हीनियस इज अगेन अ वर्ड विच इज़ अ सिनोनिम ऑफ इनइक्विटी, ओके, इमोरल एक्ट का ही है। देन वी हैव इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इक्वी इज फॉर इक्वल, नॉक्स इज फॉर नाइट, सो इक्वल नाइट। इक्वल नाइट एज इन कैसे होता है, इक्विनॉक्स एक साल में दो ही बार ही होती है इक्वल नाइट्स। द फर्स्ट वन इज़ योर मार्च 21 को होती है और दोबारा सेप्टेम्बर 21 या फिर 22 को होती है। दैट इज़ योर इक्विनॉक्स, जिस दिन सेम टाइम का ही आपका डे होता है, जब डे और नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं, ओके, दैट इज इक्विनॉक्स, इक्वल नाइट। देन वी नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल इज़ फॉर नाइट, रात को कहते हैं। और जो प्लांट्स या फिर पीपल या फिर एनिमल्स जो रात को निकलते हैं, आउल हो गया, ठीक है, या फिर एक फ्लावर भी होता है, उसका नाम होता है मून फ्लावर होता है, वो रात को ही खिलता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आफ्टर सन वो ज़्यादा अच्छा, बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, ऐसा कुछ होता है पीपल के साथ, कुछ लोगों के साथ होता है। सो दैट इज़ नॉक्टर्नल विच इज़ नाइट, ठीक है, रात को ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कैट्स हो गई, आउल्स हो गई, लाइक दैट। देन वी हैव नॉकटर्न। नॉकटर्न मीन्स अ सैड मेलोडी, एंड ऑफ धुन सी होती है, नाइट म्यूजिक कहते हैं, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं है। देन वी हैव इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी इज इक्वल, इक्वी से आ रहा है, इक्वल एनिमी से आ रहा है, लाइक एनिम से आ रहा है योर माइंड। सो इक्वानिमिटी मतलब हो गया आप काम रहते हो, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर, जो कि इतनी जल्दी अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते, ठीक है, उनको गुस्सा नहीं आता, वो बहुत काम रहते हैं, कूल रहते हैं, वो अपने माइंड को मैनेज रखते हैं, जल्दी ही ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, ज़्यादा अपना ज़्यादा जल्दी टेम्पर नहीं लूज़ करते, दैट काइंड ऑफ पर्सन। देन वी हैव इक्वेबिलिटी। अगेन इक्वल आ गया और एबिलिटी आ गया, कि अपने माइंड को इक्वल लाइक काम रखना। अगेन ये बोथ आर सिनोनिम्स, एंड यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इट्स CALM, ओके। देन वी हैव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल बैलेंस। इक्वी इज फॉर इक्वल, लिब्रा से आ रहा है पाउंड, वेट हमने पढ़ा ही था। सो इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया इक्वल बैलेंस मेंटेन रखना, ओके, एंड फिजिकल बैलेंस काइंड ऑफ, किसी के सामने या फिर किसी चीज़ से देखना, तो इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि इक्वल बैलेंस मेंटेन करना, दैट सिंपल मीनिंग है। देन वी हैव इक्विलिब्रियस्ट। इस्ट लग गया, मैंने आपको बताया था कि इस्ट ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के लिए होता है। इक्विलिब्रियस्ट कौन होता है, एक एक्सपर्ट जो टाइट रोप पर चलता है, टाइट रोप एज इन जो आपने कभी देखा होगा किसी को कि वो रोप बांधता है एक साइड से दूसरे एंड तक और उसी रोप पर, पतली सी रोप पर चल के दिखाता है आपको, तो वो एक्सपर्ट होता है एक टाइट रोप पे बैलेंस करके चलने का, ठीक है, टाइट रोप वॉकर, ओके। देन वी हैव इक्वेटर। ये आपको पता ही, इक्वेशन इक्वल करना, इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस होना, इक्वी एंगुलर सेम एंगल रखना, लाइक द सिंपल वर्ड्स हैं इक्वेटर, इक्वेशन, इक्वी डिस्टेंस एंड इक्वी एंगुलर। देन वी हैव न्यू रूट इक्वीन। इक्वीन मीन्स होता है हॉर्स, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रूट नहीं है, सिर्फ वियर्ड वर्ड भी एक ही दो बनते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बस समझ लेना वर्ड को। देन वी हैव फैरो विच मीन्स टू बियर और टू कैरी, ओके। तो फर्स्ट वर्ड है इक्विस्ट्रियन। इक्विस्ट्रियन इज फॉर समवन ऑन अ हॉर्स, कोई हॉर्स पे हो। एंड ये कैसे बना, इक्विस्ट्रियन तो इक्वीन से आया विच मीन्स हॉर्स, एंड ये अगर आप ढंग से पढ़ोगे ई एस के बाद से, यहाँ से इस्ट्रियन, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में पेडेस्ट्रियन, ठीक है, पेडेस्ट्रियन का मतलब था ऑन फुट चलना, तो पैड इज फॉर फुट एंड इस्ट्रियन इज टू वॉक, सो इक्विस्ट्रियन हो गया समवन ऑन अ हॉर्स, हॉर्स राइडिंग करना। देन वी इक्विस्ट्रीन। इक्विस्ट्रीन का मतलब हो गया वुमेन ऑन अ हॉर्स, कोई औरत हॉर्स की राइडिंग करे, ठीक है। सो ईजी वर्ड से बस आपको रूट पता होना चाहिए था, यू विल गेट द मीनिंग। देन वी हैव वॉसीफोरस। वॉसी इज फॉर वॉइस एंड फेरो इज फॉर टू बियर और टू कैरी, सो जो बहुत ज़्यादा वॉइस करें, जैसे कि बच्चे करते हैं ना, बहुत ज़्यादा वॉइस करते हैं, तो काइंड ऑफ वो रोलर अप्पा ही डालते रहते हैं, दैट इज़ एक्सप्रेस और या फिर नॉइस करना बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल द वॉसीफरस प्ले ऑफ यंग चिल्ड्रन, काइंड ऑफ कि बहुत ज़्यादा शोरगुल करके खेल रहे हैं, दैट सिंपल मीनिंग। सो दिस कम्प्लीट दिस सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ रेट, रिव्यू एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी सजेशन और क्वेरी। Thank you.